अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक रेमेडी शेयर कर रही हूँ आपके फेस के लिए। आज की रेमेडी यूज़ करने के बाद आपका चेहरा मेकअप के बगैर ही इतना ज़्यादा ग्लो करेगा कि विजिबिलिटी आपको खुद फील होगी। आप इसको अपनी स्किन पे लगाएं। अगर आपकी स्किन पर डार्क स्पॉट आ गए हैं, डबल टोन हो गई है, डलनेस हो गई है, तो ये रेमेडी आपके लिए है। आप रेमेडीज़ को ज़रूर यूज़ किया करें। आप यूज़ करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनके कितने अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बेसन ले रहे हैं। यहाँ पर बेसन हैज़ एक्सफोलिएटिंग प्रॉपर्टीज़। इट इज़ अ परफेक्ट होम मेड नेचुरल स्क्रब। ये एक्नी को ट्रीट करता है, स्किन से जो एक्सेस ऑयल होता है उसको रिमूव करके पोर्स को बहुत अच्छा सा क्लीन अप कर देता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हम ले रहे हैं यहाँ पर योगर्ट दही। इट कंटेन लैक्टिक एसिड, इट रिड्यूस रिंकल्स, फाइन लाइन्स और स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है, एक्नी होने से रोकता है, स्किन को ब्राइटन अप कर देता है और हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। नेक्स्ट है हमारे पास चावल का आटा, राइस फ्लावर। तो फ्रेंड्स, राइस पाउडर एज अ मास्क अप्लाई करने से अपने फेस पे जो सबसे बड़ा फ़ायदा हमें मिलता है वो ये है कि राइस पाउडर हमारी स्किन से एजिंग साइन को बहुत ज़्यादा कम कर देता है, फाइन लाइंस, रिंकल्स को रिड्यूस करता है, स्किन को स्मूथ, इवन टोन और लाइटन और ब्राइटन अप बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारे पास बेकिंग सोडा। इट हैज़ एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़। एक्नी को क्लियर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। हमारे स्किन के जो ओपन पोर्स हो जाते हैं उनको मिनिमाइज़ करके उनको बहुत टाइटन अप कर देता है और रेमेडी में इसका यूज़ पिंपल्स और ब्लैक हेड्स को ट्रीट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। डेड स्किन को भी ये रिमूव कर देता है और हमारे स्किन के पोर्स को बहुत अच्छे से क्लीन कर देता है। नेक्स्ट है हमारे पास एक वाइट। तो यहाँ पर एक अंडा लिया है मैंने, मैं यूज़ करूँगी सिर्फ एक वाइट। एक वाइट के फ़ायदे तो आप सबको पता होंगे। एक वाइट जो है हमारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स का एक हिस्सा है। तो फटाफट से हम फेस पे को प्रिपेयर कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक टेबल स्पून लेंगे बेसन और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ एक टेबल स्पून राइस पाउडर। क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर आप एक से ज़्यादा फेस पे लगाने के लिए बना रहे हैं तो आप क्वांटिटी को डबल कर सकते हैं। एक फेस पैक बनाने के लिए ये क्वांटिटी, ये रेशो रखना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा। थोड़ी सी हम बेकिंग सोडा यूज़ करेंगे, आप देख सकते हैं 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा का हमने ऐड किया है यहाँ पर। अब हम इसमें डालेंगे एक वाइट। एक अंडा लिया है मैंने, आप चाहें तो इसमें पूरे अंडे की एक वाइट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर एक टेबलस्पून भर के अंडे की सफ़ेदी लूँगी, ये भी मैं इसमें डाल दूँगी। अब इसको हम पेस्ट बना लेंगे। ये देखें, एक टेबलस्पून हमने एग वाइट लिया। अब हम इसमें ऐड करेंगे योगर्ट। योगर्ट अब हमें जितना रिक्वायर्ड होगा पेस्ट बनाने के लिए हम उतना योगर्ट यूज़ करेंगे। मतलब आपका जैसे ही पेस्ट बनके रेडी हो जाए, एक परफेक्ट फेस पैक जिसको आप इजीली अप्लाई कर सकें अपने फेस पे, जितनी भी थिकनेस आपको रिक्वायर्ड है उस हिसाब से आप योगर्ट को यूज़ करें। मैंने 2 टेबल स्पून योगर्ट लिया है और ये बहुत अच्छा परफेक्ट फेस पैक बनके रेडी हो चुका है हमारे पास और इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है, ये चेक करें। इस फेस पैक को आप बनाएं, अपने फेस पे लगाएं और ट्वाइस अ वीक इस रेमेडी को आप यूज़ करें, बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे आपको। फ्रेंड्स, रेमेडीज़ जो है बहुत अच्छे वर्क करती हैं, थोड़ा स्लो वर्क करती हैं लेकिन आपको इसके बगैर किसी साइड इफ़ेक्ट्स के और बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। तो रेमेडीज़ आप यूज़ करते रहा करें। तो अब आपको इसका एप्लीकेशन देखना है कि सबसे पहले आपको अपने फेस को अच्छे से वॉश कर देना है, उसके बाद टॉवल से ड्राई करें और फेस पे इस पैक को अप्लाई करें जेंटली।
थोड़ा सा रब करते हुए इस फेस को अपने पूरे फेस पे अप्लाई करें और नेचुरली इस रेमेडी को ड्राई होने दें। जब ये पूरी तरह ड्राई हो जाए, टाइटनिंग आपको फील होने लगे, तो फिर आपको डायरेक्ट अपने फेस से इसको वॉश नहीं करना है, आपको थोड़ा सा पहले गीला करना है फेस पैक को इस तरह से, ताकि ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। थोड़ा सा ये जब फेस पैक आपके फेस पे सॉफ्ट होने लगे पानी से, तो आप इसको थोड़ा सा मसाज करते हुए इसको रिमूव कर दें। कोई भी फेस वॉश इसके बाद आप यूज़ ना करें, आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। आपकी स्किन पे बहुत अच्छी सॉफ्टनेस और एक नेचुरल ग्लो आपके फेस पे आपको फील होगा इस रेमेडी को यूज़ करने से। फ्रेंड्स, आज की रेमेडी बहुत इफ़ेक्टिव है, आप इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा और मुझे दें इजाज़त। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।